हेलो नमस्कार दोस्तों मैं रणजीत सिंह वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ दोस्तों मैं आपको भूगोल विषय पढ़ूँगा भूगोल में भी तीन सेगमेंट है भारत भूगोल विश्व भूगोल और राजस्थान भूगोल तो सबसे पहले अपना है भाई भारत भूगोल पढ़ना है अपने को क्या पढ़ना है भारत का भूगोल तो भारत का भूगोल हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों मैं बता दूँ कि अपनी पृथ्वी है ना तो पृथ्वी सूर्य का एक पार्ट थी सूर्य गर्म है आप सबको पता है सूर्य में हीलियम ऐसी कुछ हाइड्रोजन वगैरह ऐसी गैसे हैं तो सूर्य है भाई साहब सलिन के कारण बहुत गर्म है तो आज भी गर्म है पहले भी गर्म था एक समय ऐसा आया कि सूर्य से पृथ्वी का एक पार्ट निकल के नीचे गिर गया ठीक है पृथ्वी नीचे गिर गई जिसमें हम अभी रह रहे हैं तो पृथ्वी लाखों करोड़ों साल बीत गए लगातार सर्दी आई गर्मी आई फिर सर्दी गर्मी बरसात ऐसा कुछ चलता रहा ठीक है तो वो जो सूर्य का टुकड़ा नीचे गिरा था ना जिसे आज पृथ्वी कहते हैं वो लगातार सर्दी गर्मी के कारण ठंडी होती गई और यहाँ पेड़ पौधे जैव विविधता आदि का विकास हुआ जीवन की उत्पत्ति हुई जीव जंतुओं का निवास हुआ जल का हुआ तो ऐसे करके मनुष्य भी इस पृथ्वी पर जीने के लायक टेम्परेचर बढ़ गया मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वातावरण जहाँ मनुष्य बड़ी सहजता से जी सकता है वो टेम्परेचर पृथ्वी का हो गया एक समय के बाद ठीक है तो सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति कहा हुई अफ्रीका महाद्वीप में हुई सात महाद्वीप है वो विश्व भूगोल पढ़ेंगे ना हम जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे तब देखेंगे एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका ये बाद में पढ़ेंगे आज अपना टॉपिक है मेन भारत का भूगोल तो भारत के भूगोल से जुड़ने के लिए हम शुरुआत करते हैं आ जाओ दोस्तों ये जब पृथ्वी थी पृथ्वी पृथ्वी पे देखो महासागर भी है और महादीप भी है मैं एक बात बता दू आपको पृथ्वी पे महासागर भी है और महाद्वीप भी है तो जहां जहां जल गया वहां वहां महासागर बन गया और जहां जहां स्थल भाग गया वहां वहां महाद्वीप बन गया दोस्तों आपको बता दू मैं कि ये एक पृथ्वी थी ठीक है यहां पे स्थल मंडल भी था स्थल भाग भी था देखो कुछ भाग इसमें स्थल भाग का था स्थल था उसे स्थल मंडल कहे कहा गया और जहां जहां जल था वहां जल मंडल कहा गया स्थल मंडल और जल मंडल जहां जहां जल गया जहां जल गया। जहां जल गया वहां क्या बना वहां महासागर बना वहां महासागरों का निर्माण हुआ जहां जहां जल गया वहां महासागरों का निर्माण हुआ जहां जहां भूमि भूमि का पाट गया वहां वहां महाद्वीपों का निर्माण हुआ वहां महाद्वीपों का निर्माण हुआ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं पूरी पृथ्वी है उसके अंदर सात प्लेटें हैं सात प्लेटें हैं सात प्लेटों पे पूरी पृथ्वी टिकी हुई है तो जब भी ये एक अलग सिद्धांत है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो ब्रिटेन के एक विद्वान हुए हैं उन्होंने दिया है ये प्लेट विवर्तनी सिद्धांत तो ये एक अलग टॉपिक है प्लेट टवी सिद्धांत प्लेट लेटवर्दनी सिद्धांत बताता है कि पूरी पृथ्वी सात प्लेटों पर टिकी हुई है पूरी पृथ्वी के अंदर जैसे जाते हैं जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है किसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है चट्टानों का अंदर वाले भूगर्भ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है पहाड़ों पर जाते हैं तो ठंडाई बढ़ती है अंदर जमीन में जाते हैं पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं तो गर्मी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर इतना बढ़ता है जितना ज़्यादा गहराई पर जाते हैं टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि चट्टाने पिघल जाती है चट्टानों का जो रूप है अंदर पिघला हुआ रूप है चट्टानों का पिघला हुआ रूप बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है जब वही चट्टानों का रूप अंदर रहता है तो मेघमा कहलाता है जैसे पूरी पृथ्वी सात प्लेटों पर देख लो आप एक दो तीन चार पाँच छः सात सात प्लेटों पर टिकी हुई है इसको मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से दोस्तों ये पूरी पृथ्वी है पूरी पृथ्वी सात प्लेटों पे टिकी हुई है एक दो तीन चार पांच छ और ये सात ये पूरी पृथ्वी है जो प्लेटों पे टिकी हुई है दोस्तों कितनी सात प्लेटों पे टिकी हुई है जैसे हम अंदर जाते हैं चट्टाने पिघल जाती है यह चट्टानों का पिघला रूप है ये क्या है चट्टानों का पिघला रूप कहा है पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में है चट्टानों का पिघला रूप उसे हम क्या कहते हैं मेघमा कहते हैं क्या कहते हैं भाई मेघमा जब यही मेघमा जब जब यही मेघमा जब छात्र चट्टानों में आंतरिक हलचल होती है भूगर्भिक संरचना भूगर्भिक हलचल होती है तो ये पिघला हुआ मेघमा बाहर निकलता देखो जैसे ये कमरा है कमरे के अंदर में साथ लकड़ी के गट्टे डाल दूं, ठीक है पानी से भर के कमरे को मैंने भर दिया और साथ लकड़ी के गट्टे डाल दिए तो वो गट्टे ना पानी पे तैरते हैं पानी पे तैरते उसी प्रकार इसी पिघले हुए रूप पे चट्टाने तैरती रहती है चट्टाने कभी तो आकर्षित होगी कभी प्रतिकर्षित होगी कभी ऐसे रोटेट होगी ठीक है तो आं आंतरिक हलचल के कारण चट्टाने जब गति करेगी भूगर्भी हलचल के कारण भूगर्भी हलचल के कारण जब चट्टाने गति करेगी उस समय ये पिघला हुआ लावा इस दरार से बाहर निकलता है ये दरारें हैं ना इससे बाहर निकलता है बाहर आता है और किसका निर्माण करता है इसे ज्वालामुखी बोलते हैं क्या बोलते हैं ज्वालामुखी ज्वालामुखी कैसे आता है आंतरिक चट्टाने हिलती है तो मेघमा पिघला हुआ मेघमा बाहर निकलता है और वही बाहर निकलने के बाद यह मेघमा बाहर निकला तो क्या कहलाएगा फिर फिर यह लावा कहलाएगा दोस्तों फिर यह लावा कहलाता है यही लावा अंदर होता है तो मेघमा कहलाता है और यही मेघमा जब बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है और ये लावा बाहर निकल के जम जाता है तो ये पहाड़ पठार मैदानी भागों का निर्माण करता है बड़ी बड़ी पहाड़ियों का निर्माण करता है बड़ी बड़ी पहाड़ी का निर्माण करता है कौन करता है ज्वालामुखी क्रिया फटने के कारण जब मेघमा बाहर आता है तो लावा के रूप में जम जाता है बड़ी बड़ी पहाड़ियों का निर्माण होता है पठार का निर्माण होता है जब ये थोड़ा जम जाता है ऐसे तो इसे मैदान कहते हैं तो ये सारी क्रिया ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है ठीक है सात प्लेटों पे अपनी पृथ्वी टिकी हुई है इसके आगे बढ़ते हैं ये है सात प्लेटें जैसे दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका यूरेशिया न्यूजीलैंड ये इमेज है भाई पृथ्वी की सात प्लेटों की जो गोल है ना अपनी पृथ्वी वो लगभग ऐसी है इसके बाद देखो यह है उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका यूरोप अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया ये न्यूजीलैंड इसमें अपना भारत कहाँ है देख लेते हैं एक बार ये अपना भारत ये अपना भारत है भाई ये भारत है अपना। एशिया में है अपना भारत पूरे विश्व में कहाँ है एशिया महाद्वीप में है और ये रसिया है एशिया और यूरोप दोनों में है रूस रूस कहाँ फैला हुआ है एशिया और रूस दोनों में फैला हुआ है एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है रूस इसलिए इसलिए बोलते हैं यूरेशिया ठीक है आगे बढ़ते हैं ये है अपना भारत हम भारत पढ़ना चाह रहे हैं भारत पढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दूं मैं देखो जैसे ये पृथ्वी है पृथ्वी गोल है पूरी पृथ्वी गोल है तो अपने को किसी भी स्थान विशेष का पता लगाने के लिए हमने इस पृथ्वी पे कुछ रेखाओं का निर्माण किया है उस रेखाओं को काल्पनिक रेखाएं कहते हैं और जो आड़ी लाइनें होती है उसे अक्षांश कहते हैं जो खड़ी लाइनें होती है उसे देशांतर कहते हैं जैसे हम किसी बिंदु का पता लगाते हैं तो एक तो हम एक्स अक्ष देखते हैं और एक वाई अक्ष देखते हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष वो बिंदु क्या है वाई अक्ष के सापेक्ष बिंदु क्या है मतलब किसी भी बिंदु का पता लगाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता लेते हैं उसी प्रकार पृथ्वी पे किसी भी गांव देश राष्ट्र का पता लगाने के लिए किसी भी स्थान का किसी भी खाई पहाड़ी पठार का पता लगाने के लिए पूरी पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाओं की तुलना की गई है मतलब काल्पनिक रेखाएं खींची गई है तो काल्पनिक रेखाएं ये है भाई ये रेखा है इस रेखा को बोलते हैं जीरो डिग्री अक्षांश इसे बोलते हैं जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है ये है जीरो डिग्री अक्षांश इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा इसका दूसरा नाम क्या है भूमध्य रेखा और इसी रेखा को और नाम है विश्ववत रेखा रेखा क्या नाम है विशुवत रेखा तो जीरो डिग्री अक्षांश रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है उत्तर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इस भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध क्या बोलते हैं भाई दक्षिणी गोलार्ध जिस प्रकार पूरी पृथ्वी को ये जीरो डिग्री अक्षांश दो भागों में बांट रही है उसी प्रकार एक रेखा और है उसका नाम है ग्रीन विच रेखा ये रेखा है उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु को जोड़ती है इस रेखा का नाम है जीरो डिग्री देशांतर क्या नाम है जीरो डिग्री देशांतर रेखा जीरो डिग्री देशांतर रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है इसके इधर वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध इस भाग को क्या बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध और इस भाग को क्या बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध इस भाग को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध तो अपना भारत इसमें कहां है अपना भारत अभी बताऊंगा मैं कहां है देखो जैसे जैसे मैं जैसे जैसे जीरो डिग्री से ऊपर जाऊंगा जैसे जीरो डिग्री के बाद आएगा यहां पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तेईस डिग्री भी आएगा एक <coughs> एक लाइन है साढ़े तेईस डिग्री यहाँ पे एक साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश इसे क्या बोलेंगे साढ़े तेईस डिग्री साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका नाम है साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसका नाम है जीरो से नीचे आएंगे ना एक दो तीन चार पाँच यहाँ पे साढ़े तेईस आएगा इसे कहेंगे दक्षिणी अक्षांश साढ़े तेईस डिग्री साढ़े तेईस डिग्री दक्षिणी अक्षांश साढ़े तेईस डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम और है इसे कहेंगे इसे तो कहेंगे कर्क रेखा ऊपर जो लाइन है उसे बोलेंगे कर्क रेखा और जो लाइन नीचे है इसे बोलेंगे मकर रेखा तो अक्षांश रेखाओं में तीन महत्वपूर्ण लाइनें बताई मैंने आपको तीन महत्वपूर्ण रेखाएं बताइए डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसे विश्व रेखा भी कहते हैं इसके ऊपर साढ़े तेईस डिग्री ऊपर जाओगे तो उसका नाम आएगा कर्क रेखा कर्क रेखा का दूसरा नाम है साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे हो उसका नाम है साढ़े तेईस डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसका दूसरा नाम है मकर रेखा ठीक है दो रेखाएं और बताऊं यहां मोस्ट इंपोर्टेंट दो रेखाएं और है देखो यहां पे जाओगे ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ध्रुव भी कहते हैं इसे 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव ये ध्रुव है भाई पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव ठीक है यहाँ पे जाओगे आप तो आएगा साढ़े छासठ डिग्री क्या आएगा साढ़े छासठ डिग्री साढ़े छासठ डिग्री उत्तरी अक्षांश साढ़े छासठ डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम है उत्तरी ध्रुव्रत पर में है ना भाई साढ़े छासठ का दूसरा नाम क्या है उत्तरी ध्रुव्रत आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो साढ़े छासठ डिग्री का शा� साढ़े छासठ डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम है उत्तरी ध्रुव्रत और इसी प्रकार नीचे भी है का नाम भी है साढ़े छासठ डिग्री ये भी छे छासठ डिग्री है भाई साढ़े छा डिग्री दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ध्रुव्रत और इसे दक्षिणी अक्षांश भी कहते हैं ठीक है तो मैंने एक दो तीन चार पांच लाइनें और दो बिंदु बताए अक्षांश में ये महत्वपूर्ण है और हम अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ते हैं पहले उसके बाद पढ़ेंगे हम देशांतर रेखाओं के, के बाद में पहले मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे विश्व में भारत कहाँ है वहां लेके आऊंगा सबसे पहले आपको मैं ठीक है तो इसके आगे बढ़ते हैं देखे ये भारत है भारत कहाँ है दुनिया में उसका पता लगा रहे हैं पहले ठीक है भाई पूरी दुनिया में भारत कहाँ है उसका पता लगा रहे हैं भाई <coughs> लो पूरी दुनिया में भारत है वो पता लगा लेंगे हम देखो अक्षांश रेखाएं पढ़ ली अक्षांश रेखाएं हम क्या पढ़ रहे हैं अक्षांश रेखाएं है। अक्षांश रेखाएं दोस्तों अक्षांश रेखाएं क्या है अक्षांश रेखाएं क्या है? है ना भाई ये एक पृथ्वी है ये पीछे स्लाइड भी तो किया है हमने देखो जीरो डिग्री से उत्तर में जाते हैं तो इसकी लंबाई घटती जाती है किसकी लंबाई अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है तो पहली बात तो आ गई कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है <coughs> अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको नोट्स बनाने हैं बढ़िया तरीके से देखो भाई जीरो डिग्री अक्षांश डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई सर्वाधिक होती है सर्वाधिक होती है एक बात हो गई दूसरी बात लिखो जीरो डिग्री अक्षांश जीरो डिग्री अक्षांश से उत्तर में जाते हैं तो भी अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है

उत्तर या दक्षिण में जाने पर उत्तर या दक्षिण में जाने पर जाने पर इनकी लंबाई लगातार घटती जाती है इनकी लंबाई क्या है भाई लगातार घटती जाती है घटती जाती है और दो अक्षांश रेखाएं हैं ना उसके बीच में दूरी समान रहती है दिखा दो आपको देखो ये भी दो अक्षांश रेखाएं हैं यहाँ पे आएगी एक डिग्री अक्षांश यहाँ पे आएगी दो डिग्री दक्षिणी अक्षांश तीन डिग्री दक्षिणी अक्षांश फिर इधर जाओ ऊपर एक डिग्री उत्तरी अक्षांश दो डिग्री उत्तरी अक्षांश तीन डिग्री उत्तरी अक्षांश ये सारे अक्षांश है ना भाई तो दो अक्षांश के बीच में दूरी सब जगह समान है देख लो सब जगह समान है ना तो हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं अक्षांशों के बीच अक्षांशों के बीच अक्षांशों के बीच दूरी समान रहती है सभी जगह समान रहती है सभी स्थानों पे, सभी स्थानों पर समान रहती है समान समान रहती समान रहती है ना भाई ठीक है समान रहती है और क्या बात है इसमें अक्षांश रेखा संख्या, संख्या देख लो जीरो चार डिग्री, 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 पांच पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे तो जीरो से ऊपर जाते हैं तो नब्बे आती है और जीरो से नीचे आते हैं तो भी नब्बे आती है तो जीरो डिग्री से ऊपर नब्बे होती है अक्षांश और जीरो से नीचे भी नब्बे अक्षांश होती है ठीक है आ जाओ अक्षांश रेखाओं की संख्या अब क्या है अक्षांश रेखाओं की संख्या अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है ये इंपॉर्टेंट है भाई अक्षांश रेखाओं की संख्या देखो एक तो है भूमध्य रेखा नब्बे रेखाएं आती है उत्तर में जाने पे और नब्बे रेखाएं आती है दक्षिण में जाने पे तो बताओ कुल कितनी हो गई एक सौ इक्यासी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई सौ इक्यासी हो गई भाई ठीक है अक्षांश रेखाएं एक बात और लिख लो ये पूरी पृथ्वी गोल है ठीक है तो अक्षांश रेखाएं तो ऐसे होती है ना जैसे ये है, पृथ्वी गोल मानो ये है ना तो इधर से कोई लैंड जा रही है तो ये गोल ही तो है घूम के वापिस आ रही है ना तो पूरे एक वर्त का निर्माण कर रही है क्या कर रही है पूरे एक वर्त का निर्माण कर रही है <coughs> अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं एक वर्त का निर्माण करती है एक वर्त का निर्माण करती है बताओ अक्षांश रेखाए क्या करती है एक वर्त का निर्माण करती है एक वर्त भी कौन सा पूर्ण वर्त, पूरा वर्त बना रही है गोल कर रही है ना भाई पूरे वर्त का निर्माण करती है और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है एक सौ ग्यारह किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दो अक्षांश दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर क्या होती है 111 किलोमीटर और देखते हैं अक्षांश रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती किसी को सब समांतर होती अक्षांश रेखाएं समांतर होती है अक्षांश रेखाएं समांतर होती है समांतर कभी भी आकाश आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है जबकि देशांतर रेखाएं एक बिंदु से निकलती है दूसरे बिंदु में प्रवेश कर जाती है और आधे व्रत का निर्माण करती है वो देशांतर में लिखेंगे ये है अपनी अक्षांश रेखाएं तो अक्षांश रेखाएं हो गई भाई और लिख लो इसमें एक दो पॉइंट अक्षांश रेखाएं में दो रेखाएं ऐसी है जो बिंदु के रूप में है और बाकी वन एट वन मतलब एक सौ इक्यासी रेखाओं में से दो रेखाएं ऐसी है जो बिंदु के रूप में है ठीक है तो जो बिंदु के रूप में उसको निकाल देते हैं तो कुल रेखाएं कितनी है रेखाए वन सेवन नाइन लिख लो दो रेखाएं दो रेखाएं अक्षांश के रूप में रहती है कौन कौन सी रहती है अकसा... दो रेखाएं एक बिंदु के रूप में रहती है भाई क्या कहा दो रेखाएं बिंदु के रूप में रहती है दो रेखाएं बिंदु के रूप में रहती है कौन कौन सी रहती है एक तो रहती है नब्बे डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक रहती है नब्बे डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों रेखाएं बिंदु ही तो है दिखाया था मैंने आपको अभी ये देखो ये रेखा बिंदु के रूप में है और ये रेखा भी बिंदु के रूप में है तो ये वर्त का निर्माण नहीं करेगी बाकी सभी रेखाएं वर्थ बना रही है ये रेखा इधर से घूम के पृथ्वी की इधर से भी आएगी वापस तो एक पूरे वर्त का निर्माण कर देगी लेकिन ये बिंदु नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं अक्षांत रेखाएं कितने वर्त का निर्माण करती है वन सेवन नाइन अक्षांशी व्रत का निर्माण करती है अक्षांश रेखा क्या करती है अक्षांसी रेखाएं वन सेवन नाइन अक्षांसी वर्तों का निर्माण करती है अक्षांशी अक्षांशीय वर्तों का निर्माण करती है अक्षांशीय वर्तों का निर्माण करती है जबकि दो रेखाएं हैं जो नहीं करती ऊपर वाली और नीचे वाली नहीं करती है बाकी सब करती है चलो अपना अक्षांश तो हो गया इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे देशांतर पढ़ते हैं अक्षांश हो गया अब पढ़ते हैं देशांत अब पढ़ते हैं हम देशांतर ठीक है।, है ये पृथ्वी है पृथ्वी है ये उत्तरी बिंदु है और ये दक्षिणी बिंदु है ये हो गया उत्तरी बिंदु ये हो गया दक्षिणी बिंदु उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती है लाइनें उसे बोलते देशांतर रेखा है पृथ्वी को तो खड़ी लाइने होती है ना उसे बोलते हैं देशांतर रेखा है और आड़ी लाइनों को अक्षांश लाइने बोलते हैं तो पूरी पृथ्वी गोल है पृथ्वी पे सभी लाइनों की लंबाई भी समान ही है अक्षांश रेखाओं की लाइन स... अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं थी जबकि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान है भाई देखना यहां से कोई रेखा निकल रही है और वो यहां प्रवेश कर रही है एक डिग्री ये भी हो गई एक डिग्री ठीक है और यह है जीरो डिग्री देशांतर जीरो डिग्री देशांतर से इधर जाएंगे एक डिग्री यह आ गई एक डिग्री ये मान लो एक डिग्री देखो इधर जाएंगे तो पूर्वी इधर जाएंगे तो पश्चिमी आ जाएगी तो इधर जा रहे हैं पूर्वी आ रहा है इधर जा रहे हैं पश्चिमी आ रहा है ठीक है तो यह आ जाएगा एक डिग्री पूर्वी देशांतर दो डिग्री पूर्व देशांतर जाओगे तो एक डिग्री पश्चिमी देशांतर एक दो डिग्री पश्चिमी देशांतर ऐसे चलेगा पश्चिमी और पूर्वी यह है पश्चिमी भाग और यह है पूर्वी भाग इसके बारे में हम लिखते हैं यह क्या है देशांतर रेखा है रहे हम लिख देते हैं देशांतर रेखाए है। देखो देशांतर रेखाओं में यह इधर जाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच आएगा तो ऐसे करते करते एक लाइन ऐसी भी आएगी जिसका मान अड़सठ डिग्री होगा जैसे मान लो ये है लाइन इसका मान आ गया अड़सठ डिग्री अड़सठ डिग्री पूर्वी देशांतर अड़सठ डिग्री पूर्वी देशांतर आ गया और एक रेखा ऐसी भी होगी जिसका नाम सत्तानवे डिग्री होगा एक रेखा ऐसी भी होगी जिसका नाम सत्ानवे डिग्री होगा भाई होगा ना इसका मान आ गया सत्नवे डिग्री पूर्वी देशांतर सही है ना तो मैं बता दूं अपना भारत कहाँ है अपना भारत अड़सठ डिग्री से सत्ानवे के बीच में है अपना भारत ये है भाई ये भारत है अपना ठीक है ये बाद में आगे पढ़ेंगे अभी देशांतर के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा देशांतर रेखाएं देखो देशांतर रेखाएं आपस में हाँ देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है देशांतर रेखाओं की लंबाई बिल्कुल समान रहती है लंबाई समान रहती है समान रहती इनके बीच की दूरी असमान रहती है ये याद मतलब देखने योग्य बातें हैं इसकी लंबाई तो समान है पर दो देशांतरों के बीच की दूरी भिन्न भिन्न है भाई लिख दो देशांतर दो देशांतर रेखाओं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बीच की दूरी क्या है बिन बिन है लेकिन लंबाई समान है इसकी ठीक है देशांतर रेखाओं की संख्या लिख दो एक बार देशांतर रेखाओं की संख्या ये इंपॉर्टेंट है संख्या कितनी मैं बता दूं आपको देखो पूरी पृथ्वी गोल है पूरी पृथ्वी गोल है तो हम एक देश है ब्रिटेन यूके यूनाइटेड किंगडम का एक देश है उसका नाम है देखो यूनाइटेड किंगडम का एक स्थान है ग्रीन शहर है बहुत बड़ा शहर है ग्रीन विच है ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन में ग्रीन से जो रेखा गुजरती है उसका नाम है जीरो डिग्री देशांतर इसीलिए जीरो डिग्री देशांतर को क्या कहा गया ग्रीन विच रेखा भी कहा गया उसका नाम क्या है ग्रीन विच रेखा ग्रीन विच रेखा ग्रीन विच रेखा के पश्चिम वाली रेखा को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर और ग्रीन विच रेखा के पूर्व वाली रेखा को बोलते हैं पूर्वी देशांतर ठीक है देखो इसकी संख्या कितनी है कोई भी गोल चीज है ना कोई भी गोल वस्तु कोई भी गोल वस्तु होती है उसमें एंगल कितने डिग्री का बनता है आप सबको पता है एंगल बनता है तीन सौ साठ डिग्री का कितने का बनता है तीन सौ साठ डिग्री का एंगल बनता है तीन सौ साठ डिग्री का एंगल बनता है तो इधर जाएंगे एक डिग्री दो डिग्री तीन चार पाँच छः सात आठ ऐसे करके एक सौ अस्सी ये लास्ट वाली लाइन क्या है उसका नाम आ जाएगा एक सौ अस्सी और इधर भी जाएंगे एक एक डिग्री दो डिग्री तीन डिग्री चार डिग्री पाँच डिग्री ऐसे करके एक सौ अस्सी डिग्री कोई भी गोल चीज़ है गोल चीज़ है जैसे ये गोल है ये क्या है गोल है तो मेरे सामने ग्रीन विच रेखा है ग्रीन विच रेखा से मैं इधर जाऊंगा एक दो तीन चार पाँच छः पचास साठ सत्तर अस्सी एक सौ अस्सी जब मैं नब्बे आऊंगा ना नब्बे यहाँ हो जाएगा और एक सौ अस्सी बिल्कुल पीछे होगा अपोजिट में एक सौ अस्सी एक के अपोजिट कौन सी रेखा है जो रेखा एक है उसके अपोजिट में कौन सी रेखा है एक सौ अस्सी क्यों देखो पूरा गोल है घोड़ा गोड़ में एंगल कितने डिग्री का बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है तो इधर जाओ एक दो तीन चार 90 90 आएगा तो यहाँ आ जाएगा बिल्कुल तब यहाँ आ जाएगा और 90 से फिर आगे बढ़ेंगे तो 180 बिल्कुल पीछे जो रखा एक है उसके अपोजिट 180 आएगी इधर से जाने पे 180 आ जाएगा और इधर से जाने में भी 180 आ जाएगा इधर ठीक है तो 180 और 180 करो इनकी संख्या कितनी हो गई <coughs> 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी 180 और 180 कितनी हो गई 360 डिग्री हो गई कुल रेखा कितनी हो गई 360 लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है भाई 360 हो गए देखो एक से जा रही है तो 180 और 180 तो वो ए, मतलब ये जीरो है ये जीरो डिग्री तो जीरो से इधर जा रहे हैं जीरो से उधर जा रहे हैं तो ये भी तो काउंट होगी ना तो भी काउंट करो लेकिन मेरा कहने का मतलब है इसके अपोजिट में जो लाइन है ना और इसके अपोजिट में जो लाइन है मैं यदि इधर से जाता हूं एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दसवा दसवा आप सामने हो और इधर से जाता मैं एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस सामने है मतलब दसवां नंबर का इधर से जाऊं तो भी दसवा नंबर का आप हो और इधर से जाऊं तो भी दसवा नंबर का आप हो तो दसवां नंबर आदमी तो एक ही है पर काउंट वो दो बार हो गया ठीक इसी प्रकार डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में जाऊं तो भी एक सौ अस्सी आ रहा है और पूर्व में काउंट हो रही कौन सी वाली वाली तो एक वाली दो बार काउंट हो गई यदि आप तो जीरो सौ अस्सी प्लस एक सौ अस्सी प्लस जीरो डिग्री करोगे भाई जीरो कितनी हो गई तीन सौ इकसठ हो गई लेकिन एक सौ भी रेखा दो बार काउंट हो गई एक सौ अस्सी रेखा दोबार काउंट हो गई तो एक बाकी करना पड़ेगा एक बाकी करेंगे तीन सौ इकसठ में से हम एक बाकी करेंगे तो ये तीन सौ साठ रेखाएं बढ़ जाएगी तो बताओ देशांत रेखाएं कितनी है तीन सौ साठ आपको आंकड़ा याद रखना है अक्षांश रेखाओं की लंबाई एक सौ इक्यासी होती है और देशांतर रेखाओं की लंबाई तीन सौ साठ होती है ठीक है और देशांतर रेखाएं यहां से निकल के यहाँ प्रवेश कर रही है बस इतना ही दिखा रही है अक्षांश वो मतलब देशांतर रेखाएं तो देशांतर रेखाएं क्या करती है अर्धवृत्त का निर्माण करती है देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण कर रही है देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण कर रही है निर्माण करती है बस हो गया चलो ये है देशांतर रेखाएं अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक बात और सिखा दू मैं यहीं आपको भारत के पर्पज से जैसे भारत अड़सठ डिग्री पूरी देशांतर से सत्तावे डिग्री पूरी देशांतर के बीच में आ रहा है ना उसी प्रकार अक्षांश में भी कहीं ना कहीं आ रहा है भाई ये है अपना जीरो डिग्री अक्षांश जीरो डिग्री अक्षांश जीरो डिग्री से हम ऊपर जाते हैं देखना जीरो डिग्री से हम ऊपर जाते हैं तो आता है अपना एक रेखा आती है आठ डिग्री भी तो आएगी ना क्या आएगी आठ डिग्री इसका नाम आ गया आठ डिग्री आठ डिग्री और एक लाइन आएगी छत्तीस डिग्री भी तो आएगी ना एक सॉरी सैतीस डिग्री भी तो आएगी ना एक क्या आएगा छत्तीस डिग्री छत्तीस डिग्री आएगी भाई ठीक है यह आठ डिग्री और सैंतीस डिग्री तो मैं आपको बता दूं अपना भारत कहाँ है भाई अपना भारत है अपना भारत है आठ डिग्री चार मिनट से तैतीस डिग्री छ मिनट और इधर से आ रहा है अड़सठ डिग्री सात मिनट से सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट देखो ये ग्रीनविच है इधर है अपना भारत और ये है जीरो डिग्री इससे ऊपर है अपना भारत अपना भारत यहाँ है यहाँ है अपना भारत यहां है और ग्रीन बीच रेखा यहाँ है तो अपना भारत देखो किस चतुर्थांश में है उत्तर है भाई इस जीरो डिग्री से ऊपर है तो उत्तर है और जीरो डिग्री से इधर है तो पूर्वी है तो भारत कहाँ है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित तो हम क्या कह सकते हैं भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत कहाँ है भाई उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है यहां से दिखा दो क्या दिक्कत है देखो एक बात बताऊं मैं आपको ये अक्षांश रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं अपना भारत यहां से शुरू हो रहा है ये यदि एक डिग्री है और ये दो डिग्री है तो मैं इसको क्या कहूंगा एक डिग्री से शुरू हो रहा है नहीं डिग्री को भी आगे मिनट में बांट रखे हैं डिग्री मतलब एक डिग्री में कितना होता है साठ मिनट होता है साठ मिनट को कैसे लिखते हैं ऐसे एक छोटी सी लाइन ये है एक डिग्री में साठ मिनट होते हैं तो उसको क्या कहेंगे दो डिग्री और कुछ भी मिनट होगा सात आठ अड़सठ मिनट नहीं साठ आठ दस मिनट कुछ भी हो सकता है तो दो डिग्री दस मिनट से भारत शुरू हो रहा है ऐसे मतलब मैंने एग्जाम्पल के पर्पज से समझाया है जैसे ये आठ डिग्री है तो आठ डिग्री से शुरू नहीं हो रहा है आठ डिग्री से भी ऊपर है चार मिनट मतलब अपना भारत आठ डिग्री और चार मिनट से शुरू हो रहा है और इधर तैतीस डिग्री और छः मिनट पे ख़त्म हो रहा है अपना भारत यहाँ से अड़सठ डिग्री सात मिनट से शुरू हो रहा है और उधर सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट पे अपना भारत ख़त्म हो रहा है तो अपना भारत का मेरे को कोई को पूछे कि बताओ अपना भारत का विस्तार दुनिया में कहां है तो मैं बताऊंगा पूरी दुनिया में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और मेरे से कोई पूछे अपने भारत का विस्तार अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से बताओ कहां है तो मैं बताऊंगा अपना भारत अक्षांश की दृष्टि से तो है आठ डिग्री चार मिनट उत्तरी अक्षांश से सैतीस डिग्री ज़िए छह मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य और पूछे देशांतर के दृष्टिकोण से अपना भारत कहां है तो अपना भारत अड़सठ डिग्री सात मिनट पूर्वी देशांतर से सत्ानवे डिग्री पच्चीस मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अपना भारत स्थित है तो इसके बाद हम देखते हैं अपने भारत की लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है अंतिम पॉइंट कहाँ है अंतिम पॉइंट कहाँ नहीं है वो सब हम देखते हैं और पढ़ लेते हैं देखो जैसे थोड़ा कुछ लिखवा देता हूँ मैं आपको जैसे भारत की लंबाई चौड़ाई भी लिख देते हैं इसी के अंदर लिख देते हैं देखो भारत का पश्चिमी बिंदु है पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु के बीच की जो दूरी है उसकी कितनी लंबाई है उनतीस किलोमीटर दूरी कितनी है तीस किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में जो दूरी है वो कितनी है बत्तीस सौ किलोमीटर कितनी है बत्तीस सौ किलोमीटर एक बात बता दूं मैं आपको देखो जहां से अपने भारत की सीमा हो रही है ना स्थान वहां गुजरात में एक बिंदु है हर्क चौबीस डिग्री उत्तरी एक शांस है इसे बोलते हैं सरकरिक गुहर माता एक गांव है गोहर माता गोहर माता से अपनी सीमा शुरू हो रही है गोहर माता कहाँ पड़ता है गुजरात में पड़ता है और इसे क्या बोलते हैं सरकरिक भी बोलते हैं क्या बोलते हैं थर्क्रिक इधर आ जाओ इधर एक गांव इधर एक राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है गांव है उसका नाम है कीबूतू क्या नाम है कीबूथू एक जगह है कीबूथू अपने से पूछ ले कभी भी के बताओ पूर्वी बिंदु अपना भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है तो कीबूतू है अरुणाचल प्रदेश स्टेट में पड़ता है ये ठीक है यहां आ जाओ ये आप सब जानते हो दक्षिणी बिंदु कौन सा है और उत्तरी तो बिंदु कौन सा जम्मू कश्मीर पहले जम्मू कश्मीर था तो अब ये जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया ये आ गया ऊपर वाला भाग लद्दाख आ गया ये नीचे जम्मू कश्मीर आ गया तो लद्दाख से शुरू तक हो रहा है और यहाँ कन्याकुमारी तक खत्म हो रहा है तो कन्याकुमारी अंतिम बिंदु कौन सा है अपना कन्याकुमारी और तक उत्तरी बिंदु कौन सा है लद्दाख में है भाई इंदिरा कॉल लद्दाख लिख दूं मैं यहाँ लद्दाख में है ये कहाँ है लद्दाख में है। और आपके मन में आ रहा है कि अपने भारत की सीमा आठ डिग्री चार मिनट से नहीं होके डिग्री से शुरू हो रही है छह डिग्री पैंतालीस मिनट से शुरू होनी चाहिए थी तो एक बात बता दो कि अभी मेरे से कोई पूछे कि भारत का विस्तार कहाँ है तो मैं बताऊँगा आठ डिग्री चार मिनट से पैंतीस डिग्री छह मिनट और अड़सठ डिग्री सात मिनट से सत्तावन डिग्री पच्चीस मिनट के अंदर है अपना भारत का विस्तार इतने में साल दो साल मोदी जी ने क्या किया कि एक बिंदु ले लिया इधर फिलीपींस के पास लुजोन और भिंडो नव द्वीप खरीद लिया एक द्वीप ले लिया यूएसए के पास हवाई द्वीप ले लिया ये हवाई द्वीप खरीद लिया हवाई द्वीप और एक द्वीप ले लिया अपना उत्तरी बिंदु पे और एक द्वीप ले लिया दक्षिणी बिंदु पे अब मेरे से मुझे बताओ भारत का विस्तार कहाँ है तो मैं क्या कहूंगा मतलब एक पश्चिम से एक पूर्व नब्बे डिग्री उत्तर से नब्बे डिग्री दक्षिण तो इसका मतलब तो क्या हो गया पूरे विश्व में भारत का अधिकार है क्या नहीं तो किसी भी स्थान की जानकारी या स्थान विशेष की सीमा दर्शाने के लिए द्वीप बताना पड़ता है न कि आइलैंड मतलब आइलैंड और ये द्वीप अलग होते हैं तो जो मुख्य भूमि होती है ना उसी को ही हम सीमा कहते हैं ये तो भाई द्वीप है अपना अंडमान निकोबार है ये तो ये दीप है दीप कल यहाँ पे खरीद लेवे तो हम यहाँ थोड़ी बताएंगे अपनी सीमा यहाँ तक सीमित है तो दोस्तों इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मैं उम्मीद करूँगा आपके अच्छे से समझ में आया है जय हिंद जय भारत